पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पालमपुर को नगर निगम प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बनाया है। पालमपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया स्थान है। पालमपुर में दशकों से ही कांग्रेस का राज होता आया है और चौथी पीढ़ी के विधायक पालमपुर में हैं, जो पालमपुर की दशा को आज तक नहीं सुधार पाए हैं। यहाँ पर विकास की अगर बात की जाए तो भाजपा ही विकास करवाने में समर्थ हुई है, चाहे इसमें कृषि विश्वविद्यालय CSIR हो या फिर सौरभ वन विहार। ऐसे कई विकास कार्य हैं जो भाजपा ने यहां शुरू करवाए थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने नगर निगम का विरोध किया था और यहां के गांव की जनता को भड़काने का प्रयास भी कांग्रेस ही कर रही है और पालमपुर को जिला बनाने का काम भी भाजपा ही करेगी। उन्होंने कहा कि पालमपुर को जिला बनाना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। पूरे हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि ना तो उनके पास कोई नेता है और ना ही नीयत है। इस क्षेत्र के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्व रखता है कॉर्पोरेशन का। जिन चारों कॉर्पोरेशन में चुनाव हो रहे हैं, तीन नए कॉर्पोरेशन श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को दी है, पालमपुर, मंडी और सोलन, और धर्मशाला पहले ही कॉर्पोरेशन थी। तो आज पालमपुर की अगर हम लोग बात करें तो पालमपुर क्षेत्र में कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर के आने वाले समय में इस शहर को एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए जो विकास की दृष्टि से पैसे की ज़रूरत रहती है, उसके दरवाजे खुल जाएं, उसके लिए जयराम ठाकुर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया। उसके लिए मैं जहां पालमपुर की जनता को बधाई देता हूं, वहीं पर जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शहर की सुंदरता को देखते हुए, इस शहर के बढ़ते आकार को देखते हुए और हिमाचल प्रदेश में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते जो पालमपुर उभर रहा है उसको देखते हुए जो दर्जा दिया है, ये उनका हम सब लोगों के लिए, पालमपुर वासियों के लिए जहाँ बहुत उपहार है। वहीं इस कॉर्पोरेशन के ऐतिहासिक निर्णय के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इस शहर के अंदर जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा सारा पड़ता है, पिछले आज़ादी के लगभग 8वां दशक हमारा चल चुका है। कुछ वर्षों को छोड़ करके कांग्रेस की ओर से एक ही परिवार का जहां पर लगातार कब्जा रहा है, चौथी पीढ़ी आज राज कर रही है, लेकिन जो शहर की हम लोग स्थिति देखते हैं उस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जो भी इस क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स आए उसमें कांग्रेस का कहीं भी योगदान नहीं रहा, जबकि कांग्रेस को 7 दशकों तक इस क्षेत्र की जनता ने विधायक दिया। चौथी पीढ़ी के विधायक आज बुटेल जी यहाँ पर हैं। इस क्षेत्र में चाहे विश्वविद्यालय आया, कृषि विश्वविद्यालय CSIR का सेंटर आया, और उसके साथ साथ आपके इस क्षेत्र के जितने भी हम लोग काम गिनाएं, वो चाहे न्यू बस स्टैंड का निर्माण का विषय हो या उसके साथ साथ HRTC के डिपो का विषय हो, और उनके साथ सौरभ वन विहार, चिड़ियाघर, इस तरह से अनेकों काम जहां शांता कुमार जी के समय पर हुए, वहीं पर अभी जब से जयराम ठाकुर जी गवर्नमेंट में आए हैं, पिछले काल ही आप सब लोग जनसभा में थे, उन्होंने स्वयं गिनाया कि वहाँ पर इस शहर की प्यास बुझाने के लिए 25 करोड़ रुपए की सिंचाई, इसकी पेयजल योजना का उन्होंने शुभारंभ किया, और इस क्षेत्र में अन्य जितने भी काम हैं कॉर्पोरेशन बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास के जो काम हैं उनको गति देने के लिए जयराम ठाकुर जी ने समय समय पर जहाँ पर पहुँच करके उसको गति देने में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन जिन लोगों ने चौथी पीढ़ी के व्यक्ति शासन कर रहा है, उनके पास पालमपुर को क्या दिया आज तक गिनाने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने विशेष प्रोजेक्ट कौन सा पालमपुर के लिए लेकर के वो आए। सत्ती ने कहा कि पालमपुर में वाहन रजिस्ट्रेशन का गलत काम हुआ था और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। BS4 वाहन रजिस्ट्रेशन घोटाले में पुलिस काम कर रही है। जो जहां पर एक बहुत ही
गलत काम जहां हुआ था, जिसका मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय से, कांग्रेस के समय से अंडरग्राउंड और गोरख धंधा चल रहा था, जयराम जी की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आकर के स्ट्राइक किया और जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए लोगों को कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ गाड़ियां पकड़ी और आगे भी पुलिस उसमें काम कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस उसमें अच्छा काम कर रही है, और पुलिस कहीं असफल होती है या कोई अन्य चीज़ होती है तो फिर सीबीआई तक चीज़ें जाती है। हमारे ऑप्शन खुले रहते हैं, हमें कोई सीबीआई का डर तो रही है, हमें कोई मुझे लगता दिक्कत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो उसमें भी वो करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, पुलिस ने अच्छा काम किया, लोगों को पकड़ा है, लेकिन हर चीज़ में सीबीआई तो सीबीआई कई बार इस लेवल पे केस लेती भी नहीं है। लेकिन जो पुलिस कर सकती है, जो हमारी विजिलेंस कर सकती है, जो हमारे एंटी करप्शन सेल कर सकते हैं, जब उनके हाथ खड़े होते हैं, जहाँ कहीं असफलता नज़र आती है और बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है, तो फिर सीबीआई को चीज़ें जाती हैं। लेकिन उसका मुझे लगता है कि हम लोगों को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने गलत किया वो पकड़ा जाए, वो किसी का भी व्यक्ति होगा, उनके ऊपर हाथ डाला भी है और आगे भी गवर्नमेंट आउट ऑफ स्टेट लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चलाए हुए हैं, कुछ लोग और भी उसमें शिकंजे में आएंगे, लेकिन उसका सारा पर्दाफाश करके ही जो गवर्नमेंट हटेगी। ओके